भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। रक्षाबंधन का त्योहार यूं तो सभी बहन भाइयों के लिए बेहद खास होता है, लेकिन तस्वीरों में रक्षाबंधन का जो उत्सव आप देख रहे हैं वो कई मायनों में खास है। यहाँ एक भाई की एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बहनें हैं। ये हैं जहांगीरपुरी का जाना माना नाम अश्विनी बागड़ी, जो पिछले 10 सालों से अपने क्षेत्र की महिलाओं से हर साल राखी बंधवाते हैं और उनकी रक्षा और सुरक्षा का प्रण भी लेते हैं। 10 सालों से हम राखी बंधवा रहे हैं और हमारा जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का जो पर्पज है वो ये रहता है, क्षेत्र के अंदर गली गली के अंदर ये हमारी बहनें ही नहीं, साथ में ये सीसी कैमरा भी है जो वहाँ की समस्याओं को हमारे तक पहुँचाती है, साथ में जो इनके दिल से आशीर्वाद निकलता है और दुआएं निकलती हैं वो बड़ी हमें ताकत प्रदान करता है, जिससे हम क्षेत्र की समस्याओं का समाधान और बुराई के खिलाफ लड़ सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सी बहनें राखी बांधती हैं, हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं रहता, लेकिन रक्षाबंधन का जब त्यौहार आता है तो इर्द गिर्द वो जो ध्यान में नहीं होता हम उनको भी याद करके बुलाते हैं और ये एक सच्चे मन की प्यार की डोर है जो एक दूसरे की तरफ खींचती है और हमें आकर्षित करती है। और रक्षाबंधन के दिन खासकर सभी बहनें इकट्ठी होती है तो मन को एक क्षेत्र के अंदर ऐसा नहीं लगता कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता है या यहाँ का प्रतिनिधित्व करें, ऐसा लगता है कि क्षेत्र हमारा परिवार है, हर गली में हर नुक्कड़ पर हमारी बहन यहाँ पर विराजमान है और एक अच्छी फीलिंग सी महसूस होती है इसके साथ। जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी बहुत सारी नंदे हैं और मैं इनकी एक लौती भाभी हूँ, ये मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा ही चाहूँगी इनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। जी ये सबका प्यार है जो सब लोग मिलकर एक त्यौहार मना रहे हैं, लोगों को ये भी बता रहे हैं कि हम हमेशा एक हैं और एक ही रहेंगे चाहे कोई कितना भी लड़ा ले। ये हिंदू मुस्लिम क्या है, सब भाई भाई हैं और भाई भाई ही रहेंगे। ये इन सब का एकता का एक वो दिखाया इन्होंने कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ये हमेशा मिलके। देखो आज आपने देखा कि यहाँ मुस्लिम बहनें भी बहुत सारी आई हैं, तो सिख भी आई हैं बहुत सारी जो सरदारियाँ हैं और हिंदू भी आई हैं, हर तरह की यहाँ पर मेरी बहन है और हर बहन से मुझे उतना ही प्यार मिला है जितना मेरी सखी बहन से मिला है। रक्षाबंधन पर हर साल ये बहनें अपने भाई को न सिर्फ राखी बांधती हैं बल्कि उनकी लंबी आयु की कामना भी करती हैं। इन बहनों का मानना है कि अश्विनी बागड़ी हर मुसीबत के समय उनके साथ खड़े होते हैं और इस राखी का मान रखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, कभी भूलते ही नहीं, हम भूल जाते हैं कि आना है नहीं आना, बट वो कभी नहीं भूलते, वो रिमाइंडर कॉल अलग से करते हैं, हमें याद रखते हैं, हमें दिल खुश मतलब खुशी किया कि हमें याद रखते हैं भैया। अच्छा महसूस हो रहा है, हर साल आते हैं हम राखी बांधने और अच्छा लगता है, अपनापन सा लगता है और जब कोई ऐसी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो भाई आधी रात के लिए हमें तैयार खड़े मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा भैया हर साल ऐसी बुलाते हैं और हम बहनों से राखी बंधवाते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें, हर साल आते हैं हम और बहुत उत्साहित भी होते हैं कि भैया के वहाँ पर जाना है हमें और राखी बांधनी है, बहुत ही मन खुश होता है कि भैया हमें आज तक याद रखा हुआ है उन्होंने, ये त्यौहार भी हमें याद रखते हैं। बहुत अच्छा है भैया का व्यवहार, इतना अच्छा है कि हम लोग आते हैं ना तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें ये नहीं लगता कि हम कहीं और आए हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अपने रियल भाई के घर आए हैं। बहुत बड़ी खुशी लगती है और ये सबसे बड़ा पर्व है, बहुत अच्छा त्यौहार है, कितना अच्छा त्यौहार है, कितनी खुशी हो रही है पता है, बात लेने देने की नहीं है, वो आधी रात हर एक समय खड़े रहते हैं भैया भाभी, कोई रात का टाइम हो कोई परेशानी पड़ जाती है भैया हमेशा तैयार रहते हैं और इतनी खुशी हो रही है त्यौहार देख के तो बस पूछो मत। बहुत अच्छा, हर साल राखी बांधने आते हैं, अगर कोई भी दिक्कत वगैरह होती है तो भैया सुलझा देते हैं, फिर हम आते हैं हर साल, सारे आते हैं फैमिली वाले, अच्छा लगता है, अगर कोई काम वगैरह कराना हो तो वो भी बहुत जल्द हो जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूनम अश्विनी बागड़ी को राखी कोई खास तबके की महिलाएं नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम सहित सभी धर्मों की महिलाएं इन्हें अपना मानती हैं। डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज़।